खुदा ने चाहा तो किसी को भी खून के आंसू नहीं रोने दूंगा। खूनी बवासीर का इलाज। ओए, ये दूसरा ऐड है। अरे एक बात बता, जो अखबार में ऐसे से आते हैं, इन पर तू एफआईआर करता है क्या? इन पर? अरे जो करते हो किसी लड़की से प्यार, वो कैसे करे इन बातों से इनकार। वाह, लंच का टाइम हो गया और मैं लाया हूँ आम का अचार। चलो। थैंक यू मेरे यार। हेलो 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 इट इज 9829240548। हाँ सॉरी गलत मिल गया रॉन्ग नंबर। हेलो 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 इट इज 9001983983। जी पर सॉरी गलत मिल गया रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो हाँ 9774207795। हाँ सर बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए बताइए। एक्चुअली सर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। बताइए क्या 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 तकलीफ है? तकलीफ ये है सर कि मुझे ना तो प्यार हो गया है। ओहो आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि कब से है ये तकलीफ? जी करीब 3 महीने से है सर। ओहो 3 महीने हो गए और अब तुम हमें फोन कर रहे हो? सर वो क्या पहले तकलीफ इतनी बड़ी रही थी लेकिन अब कुछ ज्यादा बड़ी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो शाम को 6 से 9 क्लिनिक आ जाओ, कुछ खाने वाली दवाएं दूंगा और कुछ सिरप दूंगा, 2-3 दिन में बुखार उतर जाएगा। हैं? बुखार? अजी साहब आप वो एक मिनट एके हंगल बोल रहे हैं ना? अरे नहीं 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 जेंटलमैन, मैं डॉक्टर श्रीराम लागू बोल रहा हूँ। हाँ श्रीराम लागू कहाँ मिल गया ये? हेलो 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 अरे हंगल के साथ हंगल साहब यहाँ से बोल रहे हैं? जी हाँ ये हंगल साहब का ऑफिस है। अच्छा तो हंगल साहब बोल रहे हैं? जी नहीं हम उनके ऑफिस बॉय बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी मुझे हंगल साहब से बात करनी थी। हंगल साहब से बात करनी है? जी जी होल्ड कीजिए लाइन देते हैं। हे भगवान मिलो जी। हंगल साहब जी नहीं मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ। अच्छा साहब हंगल साहब से बात करनी है? हंगल साहब से बात करनी है आपको? हाँ जी होल्ड कीजिए सर मैं अभी लाइन देता हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हंगल साहब। जी नहीं मैं उनका PA अरे पर्सनल असिस्टेंट। हंगल साहब से बात कराओ ना। हंगल साहब से बात करनी है। हाँ होल्ड
कीजिए सर, लाइन देता हूँ। क्या कितने जने इसके ऑफिस में? हेलो, अब ये भी पता नहीं हंगा लेके लिए। हेलो, क्या बोलूं? अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? हंगा साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मतलब मेरा मतलब कुछ पूछना था। पूछिए। फेस टू फेस मिलना था। मिलिए। मतलब मैं कल 12 बजे के आसपास आपके पास आ जाऊं? आइए। अच्छी सर, मैं कल 12 बजे आपके पास आ रहा हूँ। आइए। थैंक यू सर। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी कोचिंग नहीं की थी, ना ही ट्यूशन की थी, लेकिन कहते हैं कि प्यार में इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने तय किया कि मैं इस एक के हंगल से जरूर मिलूं। एक्सक्यूज मी भैया। जी बोलिए। हंगल साहब का ऑफिस है ना? हंगल साहब से मिलना है। हम उनके ऑफिस बॉय हैं। अच्छा अच्छा, ऑफिस बॉय। जी हाँ। मुझे हंगल साहब से मिलना था। तो पहले आपको असिस्टेंट से मिलना होगा। अच्छा जी, ठीक है। वो असिस्टेंट साहब कहाँ मिलेंगे? क्या कर रहा है? अंदर जाइए। अंदर। अच्छा ठीक। जी आ? मैं हंगल साहब का असिस्टेंट। अच्छा असिस्टेंट। जी सर। हंगल साहब से मिलना था। हंगल साहब से मिलना है आपको सर? हाँ, उसके लिए आपको पीए साहब से मिलना होगा। पीए से? जी सर। वो कहाँ मिलेंगे साहब? जी वही अपॉइंटमेंट देंगे आपको। अच्छा वो देंगे? जी। मिलेंगे कहाँ? जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको वो मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे? जी सर। बैठिए ना। बैठ गया था। हॉल कम।